हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से लड्डू गोपाल जी की ये बहुत ही प्यारी सी पोशाक बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने जो फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई 26 इंच है और चौड़ाई 4 इंच है, और उसके साथ ही एक छोटी पट्टी ली है जिसकी लंबाई 9 इंच है और चौड़ाई 2 इंच है। इन दोनों के सेम मेज़रमेंट की हमने लाइनिंग फैब्रिक की भी दोनों पट्टियाँ ली हुई हैं। अब चलिए इनको सिलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बड़ी वाली पट्टी को लेंगे और मेन फैब्रिक पे अस्तर वाले फैब्रिक को अच्छे से रखेंगे और एक साइड से सिलना स्टार्ट करेंगे। 3 साइड तक हम इसको सिल लेंगे। बाकी का जो एक साइड का लंबाई वाला पार्ट है ना, उसको खुला छोड़ देंगे। तो चलिए फटाफट से इसकी सिलाई लगा लेते हैं। अगर आप भी मेरी तरह लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरी चैनल आपके बहुत काम आने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, ये तीनों साइड से मैंने सिल ली थी। फिर इसके जो किनारे थे ना, उनको कट कर दिया था। किनारों को कट करने से होता क्या है कि जब हम इसको अच्छे से खोलते हैं ना, तो वो इजीली जो नोके होती है ना, वो अच्छे से बन के आती हैं। अब इस पर हम कुछ कुछ लेसेस लगा लेंगे। तो मैं ये रेड और सिल्वर कलर की जो लेस है मेरे पास, उनका कॉम्बिनेशन यहाँ बनाने वाली हूँ। तो ऊपर की साइड मैंने ये रेड लेस यूज़ की है और नीचे की किनारी में मैं सिल्वर वाली लेस यूज़ करूँगी और इसके दोनों किनारों को भी हम सेम लेस से कवर कर देंगे। इसके बाद जो हमारी नीचे की पट्टी खाली रह जाएगी ना, उस पर हम हमारी जो चौड़ी वाली सिल्वर लेस है इसको सिल देंगे। इसको हम जब सिलेंगे तो इसके किनारों को हम अंदर की साइड पहले फोल्ड करेंगे और फिर इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ना, इस पर हम डबल स्टिचिंग करेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी चौड़ी है, और अगर इस पर सिंगल स्टिचिंग करेंगे ना तो ये उठेगी बाद में, इसलिए हम पहले से ही इसको दो सिलाइयों के साथ कवर कर देंगे। एक्स्ट्रा जो धागे हैं उनको मैं यहाँ कट कर रही हूँ। अब हम इनमें प्लेट्स बनाएंगे। तो जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जो खुला हुआ है, उस साइड से हमें प्लेट्स बनानी हैं। तो वहाँ पे हमारी प्लेट्स वाली सिलाई आ जाएगी, जिससे कि वो सिल भी जाएगा और हमारी प्लेट्स भी बन जाएंगी। तो धीरे धीरे से स्टार्ट करते हुए हम अपने लड्डू गोपाल जी की कमर की नाप के अकॉर्डिंग ये ड्रेस बना सकते हैं। जितनी हमारी लड्डू गोपाल जी की कमर है ना, हमें प्लेट्स उसी अकॉर्डिंग बनानी है जिससे कि उनकी कमर में वो ईज़िली फिट आ सके। ये ड्रेस 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की है, तो इसको 4.5 के समथिंग मैं कमर रखने वाली हूँ। देखिए, मैंने ये प्लेट्स बना ली हैं। अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको कट नहीं करेंगे ना, तो इस जो कमर है ना, तो कमर में ये बहुत टाइटली फिट होगा और जब हम पट्टी लगाएंगे तो वो बहुत मोटी हो जाएगी, जिससे कि वो देखने में भी कम अच्छी लगेगी और लड्डू गोपाल जी की कमर में उनको प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगी। ये इस तरीके से कुछ कुछ बन करके तैयार है। अब हम जो ऊपर की चोली वाली पट्टियाँ काटी थी हमने, उनको लेंगे और इसी तरीके से हम इस पर भी 3 साइड से सिलाई लगाएंगे। बट इसमें हमें चौड़ाई वाला जो एक भाग है ना 2 इंच का, उसको एक साइड से खुला छोड़ देना है। बाकी के तीनों साइड पे हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। इसकी सिलाई के बाद भी हम इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और किनारों को थोड़ा थोड़ा सा काटेंगे और फिर इसको सीधा कर लेंगे। तो इसको सीधा करने के बाद फिर हम इसमें कुछ कुछ लेसेस यूज़ करेंगे। तो पहले तो मैंने सिर्फ एक ही लेयर इसकी लेस की लगाई थी, बट मुझे कुछ कुछ खाली खाली सा लगा था, तो मैंने पहले तो एक लगा ली, फिर इसके दो पार्ट्स भी कर दिए। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ कुछ सूना लग रहा है, तो मैंने फिर से एक एक लेस और लगा दी थी, जिससे ना लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस थोड़ी अट्रैक्टिव लगने लगी थी। तो ये दोनों मैंने अब लगा ली हैं, तो देखना ना आपने, अब ये कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी, है ना। अब हमें दोनों पट्टियों को एक के ऊपर एक इस तरीके से रख करके लगभग 1.5 इंच में हमें सिलाई लगानी है। तो ये ऐसे बन जाएगा हमारा, और अब हम इसको उसमें जो स्कर्ट बनाई है ना, उसमें सिलेंगे। बट उसके पहले हम इसमें पट्टी लगा करके जो कमर है ना, उसको फाइनल लुक दे देंगे। तो इसमें मैं पट्टी ले रही हूँ और उसको एक साइड से फोल्ड करके सिलाई करना स्टार्ट कर दूँगी और लास्ट तक हम इसको सिलेंगे। उसके बाद जैसे हमने आगे की साइड पट्टी को फोल्ड किया था ना, इस पट्टी को हम फिर से जो लास्ट एंड होगा ना, उस पर भी हम इसको फोल्ड कर देंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम इसमें डोरी लगाएंगे। तो डोरी मैं यहाँ पे रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ।
आप चाहें तो हाथ की बनी डोरी भी इसमें डाल सकते हैं। मैं मार्केट की इसलिए डालती हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी पतली होती है और देखने में भी अच्छी लगती है। बाकी आप चाहें तो सीधा इसमें पट्टी इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं कि वही सीधा हमें ना बांधने में भी काम आ जाए, हमें अलग से डोरी या पट्टी डालने की कुछ भी ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऐसे हम डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ये डोरी डाल रही हूँ। अब इस फैब्रिक की पट्टी को मैं फिर से फोल्ड करके अंदर की साइड से इस तरीके से सिल दूँगी। और ध्यान रखना है कि सिलते टाइम जो डोरी है ना उस पे सिलाई नहीं पड़नी चाहिए। फटाफट से मैं ये वाली सिलाई भी इस पे लगा लेती हूँ। उसके बाद हम इसमें चोली अटैच करेंगे जो हमारी साइड में बनी हुई रखी है। देखिए ये यहाँ कंप्लीट है। अब हमें चोली को ना इसके जस्ट बीच में अटैच करना होगा। तो हम स्कर्ट को ओपन करेंगे और जो हमारा जस्ट बीच वाला पार्ट होता है ना उसको इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर। और फिर जहाँ पे हमारी सिलाई है ना, ध्यान हमें रखना है कि हमारी डोरी पे सिलाई अभी भी नहीं आनी चाहिए। तो हम बीच में इस तरीके से रख करके इसको सिल देंगे और हमारे लड्डू गोपाल जी की रस्क कंप्लीट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप और ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।